आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर एग्जाम बीएड थर्ड सेमेस्टर से। तो यहाँ पर बीएड थर्ड सेमेस्टर से जो आपका पेपर थ्री है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये आपका कंपलसरी पेपर थ्री है। और यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम पेपर थ्री से यूनिट फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ से मिक्सअप क्वेश्चन और उनके आंसर की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न और न्यू क्वेश्चन पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर प्रीवियस ईयर की बात की जाए तो बिल्कुल ये पेज प्रीवियस ईयर का जो मैंने कंप्लीट कराया था एक तरह से सुपर फास्ट रिवीजन, उसमें मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और उनके आंसर को लेकर के बात की थी, जहाँ पर ये क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। यानी पहला क्वेश्चन था शैक्षिक निर्देशन क्या है, मानविक स्तर पर इसकी क्या आवश्यकता है, ऐसे टाइप की जो प्रीवियस ईयर 2019, 2018, 2017, 2016 इन चार सालों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे जिनके आने की संभावना ज़्यादा थी, उन सभी को मैंने लगभग 2 से 3 वीडियो में कवर कराए थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में उनके सॉल्यूशन के साथ बताई जा चुकी हैं, ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा रेस्ट बसता है वो है 2021-22 का पेपर। तो आज के इस वीडियो में हम 2021-22 के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। वैसे तो मैंने 2021-22, 2019, 2018, 2017 और 2016 के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल करा दिया है, और सॉल्यूशन की बात करें तो 2019 से 2016 तक ये सारा सॉल्यूशन है जिनको मैंने 2 वीडियोज़ में कवर कराया हुआ है। मैंने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को बताया हुआ है, चूँकि दोबारा उन्हें उसी चीज़ पे वीडियो बनाना कोई मुझे सही नहीं लगा, मैंने सोचा 2021-22 बचा है बस उसी को मैं करा देती हूँ, चूँकि बार बार मेहनत करना फिर दिक्कत लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं अभी यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ ये सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं। आप वीडियोज़ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना, ये जो वीडियो अभी अपलोड होगा इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे तो आपको इस वीडियो का जो मैं ये चीज़ें बता रही हूँ उनका आपको वीडियो और जो है लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपको लाइन से सारे वीडियोस मिल जाएंगे और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर बना सकते हैं। लास्ट टाइम आपने कुछ भी ना पढ़ा हो अगर आप ये 3 से 4 वीडियोस से पढ़ लेते हैं तो आपको देख लेना, ये कह सकते हैं अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आ रहे हैं 10 तो उसमें से 8 आपके प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर चलिए आज के इस वीडियो में हम जो है प्रीवियस ईयर को तो देख ही ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ाई हैं ये बताई हैं। ठीक है, ये सारे आपके कोर्स और यूनिट वाइज चीज़ों से रिलेटेड हैं, यहाँ पर यूनिट वाइज चीज़ें ही मैंने कवर कराई थी और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में हर बार ही पूछे गए हैं उनको ही सिर्फ मैंने कवर कराया हुआ था और उससे बाहर कुछ भी नहीं आया था। चूँकि आपके सीनियर जो थे उन्होंने जब पेपर दिया तो उन्होंने बताया मैम आपने 10 क्वेश्चन बताए थे, लगभग 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस तरह से यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं एटलीस्ट आप वो पढ़ लीजिए, काफ़ी रहेगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने 2 से 3 वीडियो में कवर कराई थी। चलिए आज के इस वीडियो में हम 2021-22 के पेपर को कराएंगे। क्वेश्चन पेपर तो आप देख ही चुके हैं, सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा उनके क्वेश्चन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को 2021-22 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ। तो दोस्तों ये है गाइडेंस एंड काउंसलिंग बीएड थर्ड सेमेस्टर 2021 सॉल्यूशन का पीडीएफ। यहाँ पर ये क्वेश्चन के साथ हम इनके आंसर को भी देखते चलेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे तो आप यहाँ से चीज़ों को समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन 2021-22 से पूछा था कि निर्देशन एवं परामर्श की अवधारणा लिखें दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो यहाँ पर निर्देशन और परामर्श इन दोनों को मैंने प्रीवियस 4 वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ पर हम इन्हें थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो निर्देशन अंग्रेजी के शब्द गाइड से बना, टू गाइड से बना है जिसका अर्थ है मार्ग दिखाना या दिशा दिखाना। सरल शब्दों में निर्देशन और प्रक्रिया है जिसमें हमें अनुभवी व्यक्ति के द्वारा सही मार्ग प्रशस्त किया जाता है, लेकिन इसमें बाध्यतापूर्ण मार्गदर्शन प्रदान नहीं किया जाता बल्कि इसमें ग्रहणकर्ता की इच्छा बनी रहती है। सारी चीज़ें बताई गई हैं कि दूसरे शब्दों में निर्देशन और प्रक्रिया है जो एक अनुभवी तथा ज्ञानी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को उसकी क्षमता, कुशलता, संभावना, अभिरुचि, व्यवहार, प्रक्रिया तथा
प्रकृति योग्यता को जानने तथा इनसे अधिकतम लाभ उठाकर स्वयं का तथा समाज का विकास करने के लिए किया जाता है। ये सारी चीज़ें निर्देशन के संबंध में बताई गई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है तो वो आपकी परिभाषाएं आप दो से तीन याद कर लीजिएगा, मिनिमम दो याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर स्किनर की बात करें तो ये बताते हैं कि निर्देशन युवक को सहायता देने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह स्वयं के साथ, दूसरों के साथ और परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सीखता है। वहीं अदर ऑथर्स ने भी अपनी अपनी परिभाषाएँ दी हैं, तो एक दो आप परिभाषाएँ याद कर लीजिएगा। अब आते हैं निर्देशन और परामर्श में अंतर। प्रीवियस 3-4 सालों में अंतर ज़रूर पूछा है इन दोनों में, तो अंतर आप विशेषकर ध्यान दीजिएगा, इन्हें आप डिफरेंस ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग की हम बात करें तो उनके अंतर के आधार से हमें डिफरेंस पता करते हैं। अगर मीनिंग की बात करें तो बताया कि निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की समस्याओं के समाधान से संबंधित चीज़ों को बताया जाता है। वहीं काउंसलिंग की बात करें तो परामर्श एक ऐसा व्यक्तिगत प्रक्रिया है जो एक कुशल व्यक्ति के द्वारा समस्याग्रस्त व्यक्ति को उसकी ज़रूरत के अनुसार दी जाती है। क्षेत्र की बात करें तो निर्देशन का क्षेत्र व्यापक है, वहीं परामर्श की बात करें तो निर्देशन का एक भाग है। आगे आवश्यकता की बात करें तो निर्देशन की आवश्यकता सभी व्यक्तियों को होती है, वहीं परामर्श की आवश्यकता केवल उन व्यक्तियों को होती है जिन्हें विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कार्य की बात करें तो यह व्यक्ति की क्षमताओं, रुचियों, अभिरुचियों, योग्यताओं को पहचानने तथा उसका उपयोग कर स्वयं का तथा समाज का विकास करने में मदद करता है। वहीं यह व्यक्तियों की समस्याओं को दूर करके उसे तनाव मुक्त बनता है तथा उसे जीवन की राह दिखाता है, नहीं रहा, ठीक है। इसी तरह से इसमें और भी पॉइंट है, निरंतरता, विषय वस्तु, व्यक्तिगत तथा सामूहिक। तो जो परामर्श होता है व्यक्तिगत तथा सामूहिक होता है, सॉरी निर्देशन, परामर्श केवल व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है। तो ये सारे पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को आप अच्छे से देख लीजिए, इन्हें ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शैक्षिक निर्देशन यानी एजुकेशनल गाइडेंस से क्या सवाल था। तो क्वेश्चन 2021-22 से ही था कि शैक्षिक निर्देशन तथा व्यावसायिक निर्देशन में क्या अंतर, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक निर्देशन की व्यवस्था आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों, अगर प्रीवियस ईयर का आप 2-4 सालों का पेपर देखे होंगे तो देखिए ये सारे रेपिटेटिव क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए थे, ठीक है। जो आपके सीनियर ने दिया था पेपर, उन सभी ने बताया कि रेपिटेटिव क्वेश्चन थे, तो आप मैच कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ भी पूछ ली जाती है कई बार, लेकिन हम यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर सीधा सीधा देखेंगे। तो शैक्षिक निर्देशन की बात करें तो शैक्षिक निर्देशन को हम उसकी परिभाषा से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर आर्थर जे जोन्स के अनुसार कि शैक्षिक निर्देशन का तात्पर्य उस व्यक्तिगत सहायता से है जो छात्रों को इसलिए प्रदान की जाती है कि वे अपने लिए उपयुक्त शिक्षालय, पाठ्यक्रम, पाठ्य विषय एवं शिक्षालय जीवन का चयन कर सके और उन्हें समायोजन स्थापित कर सके। तो परिभाषा भी थोड़ा देख लीजिएगा आप, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इनमें व्यावसायिक निर्देशन का अर्थ देखेंगे, क्योंकि दोनों में अंतर पूछा है, तो अंतर जो है मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ था, ठीक है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग का। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर लीजिएगा, या आपके पास बुक या सीरीज़ हो तो उसमें भी अंतर मिल जाएगा, ठीक है। दोनों का अलग अलग मैंने बता दिया यहाँ पर परिभाषा के माध्यम से अंतर। तो यहाँ पर बताया है कि व्यवसायिक निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव में निहित शक्तियों को संचित एवं सुरक्षित रखा जा सकता है। व्यवसायिक निर्देशन व्यक्ति, व्यवसाय तथा सेवा नियोजन के मध्य उपयुक्त गठबंधन कराने की प्रक्रिया जिसमें निर्देशक एक सक्रिय घटक रहता है। वह देखता है कि व्यक्ति और व्यवसाय के मध्य संबंध बेहतर हों और दोनों का समायोजन संतोषजनक हो। ये सारी चीज़ें मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वोकेशनल गाइडेंस के बारे में बताई गई हैं, इनकी परिभाषाएं भी हैं, तो इन्हें आप ध्यानपूर्वक जो है पढ़ लीजिएगा। अब माध्यमिक स्तर पर इसकी आवश्यकता के पॉइंट पूछे हैं, तो कई सारे पॉइंट हैं कि विद्यालय आवश्यकता की जानकारी प्रदान करना, विद्यालय विद्यार्थियों से संबंधित सूचनाएं एकत्र करना, छात्रों हेतु शैक्षिक एवं व्यावसायिक सूचनाओं को एकत्रित करना, सामूहिक क्रियाओं का संगठन करना, विद्यार्थियों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायता देना, वहीं छात्रों को परामर्श देना। तो ये हो गई माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकताएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, उच्च माध्यमिक पर भी पूछा था, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर पूछा था। तो
उच्च माध्यमिक की बात करें तो इस स्तर पर शैक्षिक निर्देशन के कार्य निम्न हैं। पहला है कि विद्यार्थियों की रुचि क्षमता एवं साधनों के अनुरूप शिक्षा की योजना बनाना और समुचित पाठचर्या तथा पाठ्यक्रमों का चयन करने में विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करना। दूसरा पॉइंट था कि वर्तमान विद्यालय स्तर पर तथा पृथक छात्रों की शैक्षिक भावनाओं का ज्ञान करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। वही तीसरा था छात्र को शैक्षिक कार्यक्रम में समुचित प्रगति करने में सहायता प्रदान करना। चौथा पॉइंट भी इसी तरह से था। तो इन पॉइंटों को आप ध्यानपूर्वक जो है पढ़ लीजिएगा, आपके क्वेश्चन में ये आए थे पॉइंट। अब जो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा था 2021-22 से, वो था व्यक्ति निर्देशन पर संक्षिप्त टिप्पणी, यानी शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया था कि क्या है पर्सनल गाइडेंस। तो यहाँ पर हम पर्सनल गाइडेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर डी क्रो एंड एलिस क्रो ने स्पष्ट करते हुए लिखा है कि व्यक्तिगत निर्देशन का अभिप्राय व्यक्ति को प्राप्त उस सहायता से है जो उसके जीवन के सभी क्षेत्रों तथा अभिवृत्तियों के विकास को दृष्टिगत रखकर समायोजन के प्रति निर्दिष्ट होती है। ठीक है, ये हो गया पर्सनल गाइडेंस के बारे में। और भी सारी चीज़ें हैं, इन्हें आप एक नज़र में देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। चूँकि ये सारे क्वेश्चन जो आए हैं इन्हें मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ था, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो 2021-22 का नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा था, निर्देशन सेवा के सिद्धांत यानी गाइडेंस सर्विस क्या है, इससे संबंधित जो है आपके प्रिंसिपल्स हैं उनको पूछ लिया था। तो क्या है निर्देशन सेवा एक नज़र में। निर्देशन सेवा के अंतर्गत विशिष्ट क्रियाओं को नियोजित व्यवस्थित एवं क्रियान्वित किया जाता है। प्रत्येक प्रकार की निर्देशन सेवा का संबंध कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं से होता है तथा इन क्रियाओं के माध्यम से विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। इनकी विशेषताएं भी पूछ लेता है, तो विशेषताएँ आप ध्यान दे लीजिएगा। चलिए सिद्धांत की बात करें, तो कुछ सिद्धांत जो पूछे थे आपके क्वेश्चन में कि क्या है गाइडेंस सर्विसेज के प्रिंसिपल्स, तो यहाँ पर पहला है कि निर्देशन सेवाओं का लाभ सभी श्रेणियों के छात्रों के लिए होना चाहिए। और भी पॉइंट है। अगला पॉइंट है कि निर्देशन सेवाओं को अपनी संपूर्णता में शिष्य के साथ व्यवहार करना चाहिए। दूसरा है, इसमें विशिष्ट आवश्यकताओं समस्याओं को भी पूरा करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है, यह यथासंभव सरल होनी चाहिए। सारे पॉइंट प्रिंसिपल्स के थे, तो इन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा था, ओरिएंटेशन सर्विस क्या है अभिन्यास सेवा। तो पूछा था कि अभिन्यास सेवा से आप क्या समझते हैं, अपने विद्यालय में आप अभिन्यास सेवा का आयोजन कैसे करेंगे। तो ओरिएंटेशन सर्विस की बात करें, अगर हम बात करें अभिन्यास सेवा, तो अभिन्यास सेवा उन छात्रों को प्रदान की जाती है जो विद्यालय में नए होते हैं तथा नई कक्षा या नए पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं। जो छात्र विद्यालय में पहली बार प्रवेश लेते हैं उन्हें निर्देशन सेवा की आवश्यकता पड़ती है। छात्रों को विद्यालय में या उच्च कक्षाओं में पदोन्नति प्राप्त करना कठिन होता है, क्योंकि वे विभिन्न पारिवारिक पृष्ठभूमि से, विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्थिति से, विभिन्न क्षेत्रों से और विभिन्न क्षमताओं, रुचियों, योग्यताओं और कौशलों से आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ओरिएंटेशन सर्विस। इसके बारे में डिटेल में सारी चीज़ें दी गई हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए अभिन्यास सेवा के उद्देश्य भी पूछता है, तो इन्हें आप देख लीजिएगा। महत्व यानी इम्पोर्टेंस क्या है ये भी पूछता है, तो इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चूँकि महत्व और उद्देश्य जो आपके स्कूल की ज़रूरतों के लिए पूछा है, तो यहाँ से पॉइंट मिल जाएंगे कि छात्रों के लिए वांछित व्यवहार और दृष्टिकोण, स्वास्थ्य जीवन, समायोजन और दिशा की भावना विकसित करना, छात्रों को उनके शैक्षिक उद्देश्य को परिभाषित करने में मदद। इसी तरह से इम्पोर्टेंस की बात करें, तो पॉइंट है कि यह नए छात्रों को स्कूल, उसके इतिहास और परंपराओं, उसके नियमों और विनियमों, उसकी ताकत और कमजोरियों, उनके लिए उपलब्ध सुविधाओं आदि के बारे में जानकारी देने में सहायता करता है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर पूरा यही रहेगा जो महत्व में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पूछा था कि सूचना शैक्षिक निर्देशन में सूचना सेवा का महत्व यानी इंफॉर्मेशन सर्विस। तो क्या है शैक्षिक निर्देशन में सूचना सेवा का महत्व, इस क्वेश्चन का आंसर हम एक नज़र में देखते हैं। तो सूचना सेवा का महत्व देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसके कई सारे पॉइंट हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है कि सूचना
सेवा व्यक्ति को विश्वसनीय तरीके से सूचनाएं प्रदान करती हैं। दूसरा है इन सेवाओं के माध्यम से आवश्यक उपयोग तथा संगत एवं समुचित जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इनके आधार पर व्यक्ति के संबंध में उपयुक्त तथा उचित निर्णय लेने में सहायता प्राप्त होती है। सारे पॉइंट हैं, इन पॉइंटों पर आप ध्यान दे लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा था 2021-22 के पेपर में कि अनुवर्ती सेवा यानी अनुवर्ती सेवा या अनुगामी सेवा, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर देख सकते हैं। अनुवर्ती और अनुगामी सेवा के बारे में क्वेश्चन पूछा था। तो फॉलो अप सर्विस क्या है देख लेते हैं। फॉलो अप सर्विस के बारे में तो यहाँ पर देखिए पॉइंट में दिया है कि अनुगामी सेवा निर्देशन तथा परामर्श का मूल्यांकन तथा सुधारात्मक सोपान है जिसमें स्थापना की अवस्था में छात्र की रोजगार के संदर्भ में संतुष्टि तथा प्रभावशाली कार्य कुशलता देखी जाती है। ठीक है, तो अनुगामी सेवा हो गया, अनुवर्ती सेवा, इनके बारे में आप एक नज़र में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा था कि निर्देशन कार्यक्रम के संगठन में शिक्षक की भूमिका, तो यहाँ पर देखिए निर्देशन कार्यक्रम के संगठन में शिक्षक की भूमिका के बारे में कई सारी चीज़ें बताई गई कि परामर्श निर्देशन में शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बालक को प्रत्येक स्थिति पर निर्देशन की आवश्यकता होती है और बालक के शैक्षिक विकास की जानकारी सबसे ज़्यादा एक अध्यापक को होती है। अतः एक शिक्षक है जो अपने बालक को सबसे सही निर्देशन दे सकता है। ये सारे चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसमें पॉइंट वाइज चीज़ें हैं कि शिक्षक नियोजन को बढ़ावा दे सकते हैं जब वे आत्मविश्वास के साथ एक दूरदर्शी परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को जो कुछ भी सीखते हैं और उनके जीवन के लक्ष्यों से संबंधित करने में मदद करते हैं। तो इन पॉइंटों पर एक नज़र डाल लीजिएगा, ये और भी पॉइंट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए शिक्षक स्कूल की नागरिकता, नेतृत्व और व्यक्तित्व का विकास करता है। शिक्षक जो है रिकॉर्ड रिपोर्ट और उपस्थिति रखता है। व्यक्तिगत मतभेदों और समायोजन समस्याओं पर शोध करता है। ये सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं, तो इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2021-22 के पेपर में पूछा था वो पूछा था कि निर्देशन सेवाओं में मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। निर्देशन सेवाओं में मूल्यांकन की आवश्यकता है, महत्व क्या है। तो बिल्कुल निर्देशन सेवा मूल्यांकन की बात पूछ ली है, तो मूल्यांकन यहाँ पर एक नज़र देख लीजिए। मूल्यांकन एक सतत यानी निरंतर चलने वाली सकारात्मक प्रक्रिया है जो शिक्षा के उद्देश्यों की सीमा निर्धारित करके शिक्षा प्राप्ति के स्तर को जानकर उचित अनुचित निर्णय लेने में सहायता करती है। इसलिए छात्रों में शिक्षा के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। मूल्यांकन किसी विषय वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के गुण दोषों का विवेचन करके उसके संबंध में सही निर्णय करने या उसके वास्तविक मूल्य का निर्धारण करना कहलाता है। ठीक है, तो ये है इसके संदर्भ में सारी चीज़ें। देखिए यहाँ पर परिभाषाएं भी बता दी हैं कि मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। तो परिभाषा एक दो आप पढ़ लीजिएगा। अब है मूल्यांकन के प्रकार, तो मूल्यांकन के कई टाइप्स हैं। रचनात्मक मूल्यांकन, इनके अंतर्गत आप ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, और भी पॉइंट होंगे लेकिन बस आगे दिया निर्देशन कार्यक्रम में मूल्यांकन के संक्षेप में वर्णन। तो निर्देशन कार्यक्रम का मूल्यांकन, ये सारे पॉइंट आ जाएंगे, इन्हें आप एक नज़र में पढ़ लीजिएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया किस तरह से है, तो इनके पॉइंट आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा था वो है परामर्श की प्रकृति एवं अभिप्राय क्या है, निर्देशात्मक अनिर्देशात्मक परामर्श में अंतर। तो परामर्श का अर्थ से इसकी प्रकृति को समझते हैं। कई सारे पॉइंट हैं इसमें। जैसे हम बात करें बालक की समस्याओं के समाधान हेतु किस प्रकार के वैज्ञानिक राय की आवश्यकता होती है, तो यह वैज्ञानिक राय और सुझाव परामर्श कहलाते हैं। परामर्श एक ऐसी व्यक्तिगत प्रक्रिया है जो एक कुशल व्यक्ति के द्वारा समस्याग्रस्त व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार दी जाती है। इसमें परामर्श देने वाला विशेषज्ञ होता है तथा परामर्श समस्याग्रस्त व्यक्ति के मांगने पर देता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट इनकी प्रकृति में भी आप मेंशन कर सकते हैं। अब इसके अर्थ की बात हो गई, परिभाषाओं से चीज़ें देखते हैं। व्यवस्था शब्दकोश के अनुसार कि पूछताछ पारस्परिक तर्क वितर्क या विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान परामर्श कहलाता है। ठीक है, और भी सारे ऑथर्स ने अपनी अपनी चीज़ें बताई हैं, तो इनको एक नज़र में पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं डायरेक्टिव काउंसलिंग एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में जो डिफरेंस है क्या कुछ है, इन्हें देख लेते हैं।
डायरेक्टिव काउंसलिंग की बात करें तो निदेशात्मक परामर्श यह मानकर चलता है कि प्रत्याशी अपनी समस्या से इतना दबा रहता है कि अपनी क्षमता को ना तो पहचान पाता है और ना पूर्वग्रह से मुक्त हो पाता। वहीं नॉन डायरेक्टिव की बात करें तो परामर्श यह मानता है कि सेवार्थी क्षमता युक्त है और स्वतंत्र वातावरण पाने पर वह अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सकता है। ये सारे पॉइंट लाइन से देख सकते हैं कि निर्देशात्मक परामर्श समस्या केंद्रित है, अनिर्देशात्मक परामर्श व्यक्ति केंद्रित है। निर्देशात्मक परामर्श विश्लेषणात्मक है, वहीं यह संश्लेषणात्मक है। निर्देशात्मक परामर्श समयबद्ध है और अनिर्देशात्मक परामर्श जो है अपेक्षाकृत अधिक समय लेता है। ठीक है, तो ये पॉइंट होगा डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के, इन्हें आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, प्रीवियस ईयर में भी इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो देखिए प्रीवियस कई सालों में पूछा गया है कि एक अच्छे परामर्शदाता की विशेषताएँ या भूमिका पर विस्तृत वर्णन। तो भूमिका के बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याएं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता सलाह और मार्गदर्शन परामर्श अथवा उद्बोधन कहलाता है। परामर्श देने वाले व्यक्ति को परामर्शदाता। निर्देशन के अंतर्गत परामर्श एक आयोजित विशिष्ट सेवा है या एक सहयोगी प्रक्रिया। इसमें परामर्शदाता साक्षात्कार एवं प्रेक्षण के माध्यम से सेवार्थी के निकट जाता है, उसे उसकी शक्ति व सीमाओं के बारे में सही बोध कराता है। तो ये हो गई भूमिका। भूमिका के बारे में और भी पॉइंट है, यहाँ से लिख सकते हैं। अब इनके अच्छी क्वालिटीज़ देख लेते हैं। तो पहला है शैक्षिक योग्यता। परामर्श में उच्च शैक्षिक योग्यता, उच्च परिष्कृत सामाजिक अभिरुचियाँ, बुद्धि, कार्यक्षमता, अभिक्षमताओं के प्रति झुकाव, तथ्यों का आदर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा है बौद्धिक योग्यता। बिल्कुल, परामर्श का बौद्धिक रूप से बुद्धिमान होना भी अति आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पारस्परिक संबंध। तो परामर्शदाता में अच्छे पारस्परिक संबंध को विकसित करने का गुण होना चाहिए। नेतृत्व की बात करें तो प्रभावशाली नेतृत्व होना चाहिए। ये सारे पॉइंट हैं। आगे भी और पॉइंट दिए हैं, नैतिक व्यवहार, कि नैतिक व्यवहार कैसा होना चाहिए, समादार भाव होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। इनके पॉइंट आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, पिछले 4-5 सालों में क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। ठीक है, तो सारे पॉइंट थे इम्पॉर्टेंट जो कि परामर्शदाता के थे क्वालिटीज़ के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, प्रखर बच्चों के लिए परामर्श, ये था 2021 के 22 के पेपर में क्वेश्चन। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों का अर्थ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जिसमें आपके प्रखर बच्चों के लिए परामर्श होता है। प्रखर, इनका IQ लेवल काफ़ी हाई होता है। ठीक है, इसमें विशिष्ट बालकों के बारे में बताया गया है कि विशिष्ट बच्चे वे बच्चे हैं जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक, संवेगिक एवं व्यवहारिक विशेषताओं के कारण किसी सामान्य औसत बच्चों से उस सीमा तक स्पष्ट रूप से विचलित या अलग होता है, जहां कि उसे अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और शक्तियों को समुचित रूप से विकसित करने के लिए परंपरागत शिक्षण विधियों में परिमार्जन या विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। उन्हें विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कहा जाता है। इस श्रेणी में शारीरिक रूप से अक्षम, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, मंद बुद्धि सारे बालक जो हैं आते हैं। ठीक है, आगे दिया है, इसमें सब देखिए विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में ही बताया है। और विशिष्ट आवश्यकता वाले में जो आपके प्रखर बुद्धि हैं या जिनकी बुद्धि लब्धि बहुत कम है, वो सभी बालक आ जाते हैं। तो इनके संबंध में से आवश्यकता वाले बालकों के निर्देशन में पॉइंट वाइज चीज़ें कि शारीरिक रूप से विकलांग बालकों का निर्देशन कैसे होगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट हैं, इन्हें आप एक नज़र में पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए प्रतिभा संपन्न बालों का निर्देशन। ठीक है, प्रतिभा संपन्न यानी जिनकी बुद्धि लब्धि ज़्यादा है। देखिए मंद बुद्धि के बारे में है। ठीक है, समस्या बालकों के निर्देशन में वृद्धि, चूँकि हमारा तो आंसर था कि प्रखर बुद्धि, तो इसमें प्रतिभा संपन्न बालकों के बारे में आप चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे पहला है प्रतिभा संपन्न की समुचित पहचान की जाए तथा उसकी विधि क्षमताओं की माप की जाए, उन क्रियाकलापों को प्रारंभ किया जाए जो प्रतिभा संपन्न की योग्यता, क्षमताओं तथा रुचियों के अनुकूल हों, ये सारी चीज़ें। तो ये पॉइंट आप उस क्वेश्चन के आंसर में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा था कि निर्देशन या परामर्श, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था कि निर्देशन और परामर्श का मानकीकृत उपकरण एवं प्रविधियाँ क्या हैं, बुद्धि परीक्षण की विवेचना कीजिए।
तो यहाँ पर ये क्वेश्चन 2021-22 के पेपर में पूछा था। तो निर्देशन के उपकरण की प्रविधियाँ, इसके संबंध में देखिए यहाँ पर परिभाषा से हम स्पष्ट करेंगे। जोन्स कहते हैं कि चुनाव करने में जो सहायता दी जाए उसका आधार व्यक्ति से संबंधित पूर्ण ज्ञान, उनकी प्रमुख आवश्यकताएं तथा उनके निर्णय को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों का ज्ञान होना चाहिए। और भी अलग अलग चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है निर्देशन के सिद्धांत एवं तकनीकी के बारे में जो डायग्राम है, तो एक तरफ प्रमापीकृत और एक तरफ अप्रमापीकृत। प्रमापीकृत में जैसे बुद्धि निष्पत्ति करके है, रुचि अभियोगिता व्यक्तित्व, इसमें इनकी परीक्षा जो है की जाती है। ठीक है, इसमें कौन कौन से आ जाती है प्रमापीकृत विधियों में, आकस्मिक अभिलेख, आत्मकथा, निर्धारण, मापनी व्यक्ति, समाज मिति अध्ययन, प्रश्नावली, ठीक है, और साक्षात्कार, संचयी, प्रक्षेपण। सॉरी, अप्रमापीकृत था, यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया। देखिए यहाँ पर अप्रमापीकृत के बारे में बताया गया है। प्रमापीकृत में यानी जिनकी माप होती है वह बुद्धि है, निष्पत्ति, रुचि, अभियोग्यता, व्यक्तित्व, ठीक है, और अप्रमापीकृत आकस्मिक लेख, आत्मकथा, निर्धारण व्यक्ति, समाजमिति, प्रश्नावली, ये सारे पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, तो इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और यहाँ पर आज के इस वीडियो में जितने भी 2021-22 में क्वेश्चन पूछे गए थे 10 प्रश्न, उन सभी को मैंने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो लिंक डाल दूंगी गाइडेंस एंड सर्विसेज का, जो आपका प्रीवियस ईयर का 2019-18-17-16 चार सालों का जो पेपर था, किस तरह से मैंने क्वेश्चन और इनके आंसर को कवर कराया था ये 2 से 3 वीडियो में। तो आप वहाँ पर जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधा प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, लाइन से सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाइए, काफ़ी आपको ज़्यादा यूनिट वाइज ये वाइज कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया, चीज़ें पढ़ी, तो मुझे पता है कि कैसे क्या पेपर आता है, क्या हम ही लोग पेपर बनाते हैं। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें जो बताई जा रही हैं आप पढ़िए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर।